उसके ऊपर रखना जैसा वो दिखाना। आप इतने ब्लर क्यों आ रहे हो? चल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी ये जल रही है, अब ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो गई है, अब ये साइड गया, जल गई है। चल चलते हैं। लाइट नो की लाइट। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ गया अपने घर पे और वर्कआउट आज का बहुत ज़्यादा मस्त हुआ है और अभी मेरे को थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही है बिकॉज वर्कआउट लगाए और उसके बाद में कुछ भी नहीं खाया और मेरे को और क्या 10 to 15 minutes हो गए मतलब वर्कआउट लगाए को। और अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी पोस्ट मील क्या होती है, पोस्ट वर्कआउट मील क्या होती है वो भी आपको दिखाता हूँ। गाइस पोस्ट वर्कआउट मील में है अपना ये और इसमें प्रोटीन ही है, इसमें है अपना देसी नुस्खा, मतलब इसमें मैंने जो अपना होते हैं बादाम काजू अखरोट और जैसे चने हो गए मूसली होगी और क्या होता है जैसे चोको पाउडर और मिल्क पाउडर वगैरह मिक्स कर रखा है इसमें। और ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्कूप निकाल के। और ये वे प्रोटीन नहीं है, कहीं आप समझ लो वे प्रोटीन है यार, मैं कोई भी मतलब आपको बुद्धू नहीं बना रहा हूँ ना पागल बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, ये देखो इसके अंदर देख लो, ये आपको दिख रहेगा ये पिसा हुआ वो है क्या बोलते हैं पाउडर है। और प्रोटीन ऐसा नहीं होता, प्रोटीन बिल्कुल प्लेन सा होता, मतलब बहुत बारीक पाउडर होता है और इसकी तरह ऐसे चिपकता नहीं है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको मिक्स करते हैं, किस में मिक्स करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। साथ मैंने लिया ये मिल्क, मिल्क में क्या है जो अपना बादाम का शरबत सा आता है ना थोड़ा वो मिलाया हुआ है टेस्ट के लिए। और ये मतलब 1.5 गिलास दूध होएगा और अभी एक स्कूप इसका हो जाएगा और अपना बेस्ट पोस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा, पोस्ट वर्कआउट मील कंप्लीट हो जाएगी मतलब, और अपनी बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील कंप्लीट हो जाएगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होता है इसमें, कैसे मिक्स करना होता है बिकॉज ये जल्दी से मिक्स नहीं होता है, 1-2 मिनट इसको ऐसे हिलाना पड़ता है, इस चम्मच से मिक्स करना पड़ेगा। लेट्स गो। 1 स्कूप प्रोटीन मतलब देसी प्रोटीन, गिर मत जाना भाई। सो गाइस ये देखो कैसे हो गई, बिल्कुल फुल हो गया, अभी इसको मिक्स करते हैं। सो फाइनली गाइस अपना प्रोटीन रेडी है, देसी प्रोटीन रेडी है और अब इसको पीते हैं और आपको बताते हैं कैसा। सो गाइस पोस्ट वर्कआउट मील मेरी हो गई है फिनिश और ये अगर आप अपनी डाइट में ऐड करोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। और आप मेरे को कमेंट करके बताओगे भाई यार बहुत ज़्यादा तगड़ा रिजल्ट मिला है। और अगर आपको कोई भी डाउट होना इसके मतलब कैसे बनाना है ये क्या सिस्टम होता है क्या क्या चीज़ डालनी है इसमें तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बाकी तो मैंने बता ही दिया क्या क्या था, बाकी कुछ भूल गया हूँ तो मैं आपको वहाँ पर पूरी रेसिपी बता दूंगा क्या क्या चीज़ है इसमें। सो गाइस आज के लिए इतना ही और जल्दी मिलते हैं LPU में। अगर कोई भी LPU से ये व्लॉग देख रहे हैं तो लगभग जब ये व्लॉग आएगा तब मैं वहाँ पर ही होऊंगा। और अगर आपको मेरे से मिलना है तो आ जाना कहीं भी, वहाँ पे LPU में होऊंगा। बाकी मेरे को पता तो नहीं कहाँ पे होऊंगा कैसे होऊंगा बिकॉज अभी मैं घर पे ही हूँ और ये व्लॉग आएगा बहुत ज़्यादा दिनों के बाद बिकॉज मेरे अभी बहुत ज़्यादा व्लॉग पड़े हैं अपलोड करने वाले, मैंने उनको एडिट नहीं किया बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था और मेरी इंजरी भी हो गई थी बीच में, तो जो पहले वाले व्लॉग थे वो भी मैंने एडिट नहीं किए थे। तो अभी मैं जयपुर दिल्ली सभी जगह जाके हूँ तो उन सब के व्लॉग्स भी पड़े हैं तो उनको भी अपलोड करना है एडिट करना है, तो आज मैं एक व्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगा। सो गाइस मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बीस्ट माइंड बर्थडे कर। ओके जानो तू धीम धीम ना धीरे धीरे जरा दम लेना।